हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र असाइनमेंट एक अच्छा 12वीं जीव विज्ञान का फुल सोल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर देख लेते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ, दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन के कोई चार लाभ लिखिए। दोस्तों, पहले हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको एक एक करके बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परागण एवं निषेचन में कोई तीन अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रारूपिक भ्रूण कोष का नामांकित चित्र बनाकर निम्नलिखित को नामांकित कीजिए। अंडकोश का, ध्रुवीय केंद्रक, सहायक कोशिका। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, काउपर्स एवं बर्थोलिन ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं, इससे क्या कार्य हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, टेपिटम के कोई तीन कार्य लिखिए। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं? शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में कोई तीन अंतर लिखिए। चलिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर दिया अनिषेक फलन। अनिषेक फलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुष्प से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है। अनिषेक फलन कहलाता है, उदाहरण अंगूर, केला, अनानास आदि। अनिषेक फलन के लाभ ये दिए हुए हैं। दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर दिया हुआ, परागण एवं और निषेचन में अंतर। परागण और निषेचन में अंतर, ये अंतर दिया हुआ है। दोस्तों, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर दिया हुआ, दोस्तों इसको भी आप जल्दी से नोट करिए अपनी कॉपी में। ये फिगर दिया हुआ, इसको आप बना लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर दिया हुआ, दोस्तों इसको आप जल्दी से नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक पाँचवे का उत्तर दिया हुआ, टेपिटम के तीन कार्ड, इसको भी आप नोट करिए अपनी कॉपी में जल्दी से फ्रेंड्स। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक छठे का उत्तर दिया हुआ, इसे भी आप नोट करिए अपनी कॉपी में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।